now stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish you a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आपके भी एमोनेटेड 7 और डेजर्ट ईगल से हेडशॉट या वन शॉट नहीं लगते? नहीं नहीं नहीं। क्या आप भी एमोनेटेड 7 से और डेजर्ट ईगल से हेडशॉट या वन शॉट मारना चाहते हो? यस 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 यस। तो गाइस, आप एकदम सही वीडियो में आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग वही जानने वाले कि आप डेजर्ट ईगल और एमोनेटेड 7 से हेडशॉट या वन शॉट कैसे मार सकते हो, वो भी हैंडकैम के साथ। तो गाइस, ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहना। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहते हो तो आपके जो हेडशॉट या वन शॉट है लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज में एकदम इजिली लगने लगेंगे। और उसी के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आपका फ्री फायर का सेटिंग वो क्या रखना चाहिए, जिससे आप जो एमोनेटेड 7 डेजर्ट ईगल और उसी के साथ कौन से भी गन से हेडशॉट या वन शॉट देना है तो एकदम इजिली लगने लगे। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जान लेते हैं, अगर आपको किसी भी बंदे को अगर हेडशॉट या वन शॉट देना है एमोनेटेड 7 या डेजर्ट ईगल या कौन से भी गन से देना है तो आपका जो फ्री फायर का सेटिंग है वो क्या रखना चाहिए। तो गाइस, फ्री फायर के सेटिंग में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेंसिटिविटी सेटिंग। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के सेंसिटिविटी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। अगर गाइस आप 2GB 3GB या 4GB एमएल खेलते हो तो आपको जो जनरल जो है 100 करके ही रखना है। अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो 6GB 8GB एमएल खेलते हो तो 80 से लेकर 90% या 95% कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है। और बाकी जो आपके 2 स्कोप हो गया, 4 स्कोप हो गया, AW स्कोप हो गया, बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी भी बंदे को हेडशॉट या वन शॉट देना है तो सिर्फ आपका जो जनरल है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं कि आपको कस्टम एचडी में कुछ चेंजेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप अपने कस्टम एचडी में कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल मत चेंज करो। अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कस्टम एचडी के रिलेटेड, तो आप उसको देख के एक नया कस्टम एचडी बनाओ और बिल्कुल भी मत चेंज करना। अभी बात करते हैं कि आप डेजर्ट ईगल से हेडशॉट या वन शॉट कैसे दे सकते हो। अगर आप डेजर्ट ईगल से किसी भी बंदे को हेडशॉट या वन शॉट देना सीख गए तो आपका जो वुडपेकर हो गया, एसकेएस हो गया और आपका जो ड्रैगन हो गया, उससे भी आपका जो हेडशॉट है बहुत ज्यादा इजीली लगने लगेंगे, क्योंकि तीनों का जो ड्रैग और एम जो है बहुत ज्यादा सेम है। इसीलिए अगर आप डेजर्ट ईगल से हेडशॉट या वन शॉट देना सीख जाते हो तो आपके जो हेडशॉट है वन शॉट है सब तीनों जो गन है तीनों गन से भी एकदम इजीली लगने लगेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं, अगर आपको डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज में हेडशॉट या वन शॉट देना तो कैसे दे सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के हैंडकैम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो गाइस देख सकते हो आप बैकग्राउंड में हैंड के में देख सकते हो, आपका जो एम है शॉर्ट रेंज में कभी भी हेडशॉट देना है तो आपका जो एम है एनिमी से मिडल बॉडी से लेकर एनिमी के चेस्ट तक रहना चाहिए, ठीक है, इतने में तो आपका रहना चाहिए। अगर आपका जो एम है एनिमी के मिडल बॉडी के नीचे रहा तो आपका जो हेडशॉट है नहीं लगता शॉर्ट रेंज में। आपका जो एम एनिमी से मिडल बॉडी से लेकर एनिमी के चेस्ट तक रहना चाहिए और आप जंप करके भी हेडशॉट दे सकते हो और एक जगह पे खड़े भी होकर दे सकते हो। और ड्रैग की बात करें तो गाइस, आपको हेडशॉट देना शॉर्ट रेंज में डेजर्ट ईगल से तो आपको जोर से ही ड्रैग करना, मींस फुल स्क्रीन ड्रैग करना, हाफ स्क्रीन से ज्यादा ड्रैग करना, जिधर तक मैं अभी आपको रेड और दिखा रहा हूं उधर तक ड्रैग करना, आपका जो हेडशॉट एकदम इजीली लग जाएगा। बट वही अगर आपको वुड पेकर, एसकेएस और ड्रैगनो से देना है शॉर्ट रेंज में हेडशॉट तो आपका जो हाफ स्क्रीन ही ड्रैग होगा, ज्यादा जोर से इसमें ड्रैग नहीं करना, हाफ स्क्रीन से थोड़ा ज्यादा कर सकते हो अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो। तो अभी बात करते हैं कि अगर आपको डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज में हेडशॉट या वन शॉट देना है तो कैसे दे सकते हो। तो गाइस, डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज में हेडशॉट या वन शॉट देने के लिए सबसे पहली चीज, तो आपको एक जगह पे खड़े होना रहेगा, मींस आपका कैरेक्टर एक जगह पे स्टैंड रहना चाहिए और आपका जो एम एनिमी के बॉडी के ऊपर रहना चाहिए, बॉडी के ऊपर किधर भी रख सकते हो बस बॉडी के ऊपर रहना चाहिए। और ड्रैग जो है हाफ स्क्रीन ही ड्रैग करना, अगर वो आपको एसकेएस से देना है, ड्रैगनो से देना है, डेजर्ट ईगल से देना है या आपको वुडपेकर से देना है तो हाफ स्क्रीन ही ड्रैग करना, आपका जो हेडशॉट एकदम इजीली लग जाएगा। अभी बात करते हैं अगर आपको एमोनेटेड 7 से हेडशॉट या वन शॉट देना है शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज में तो कैसे दे सकते हो। अगर गाइस आप एमोनेटेड 7 से हेडशॉट या वन शॉट देना सीख जाते हो तो आपका जो M10 हो गया, स्पास हो गया, इससे भी हेडशॉट लगना एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का जो ड्रैग और एम है वो सेम है। तो गाइस, अगर आपको एमोनेटेड 7 से शॉर्ट रेंज में हेडशॉट देना तो कैसे दे सकते हो, तो बिना टाइम वेस्ट के हैंडकैम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो इसमें आपका जो एम है एनिमी के बॉडी के ऊपर नहीं रखना है, बॉडी से दूर रखना है, और आपका जो एम है एनिमी से दूर है बट राइट साइड है तो आपका रोटेशन ड्रैग लेफ्ट साइड होगा, इसमें रोटेशन ड्रैग होगा। अगर लेफ्ट साइड आपका एम है तो राइट साइड
ओरिएंटेशन ड्रैग होगा, मींस अपोजिट होगा, ठीक है। तो समझ लो गाइस, मेरा जो एम एनिमल्स के लेफ्ट साइड, जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड मेरा एम है, तो मैं इधर राइट साइड रोटेशन ड्रैग करूंगा। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं नीचे राइट साइड ड्रैग करूंगा, फिर थोड़ा सा ऊपर राइट साइड ड्रैग करूंगा, फिर गाइस मैं झटके से लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा, तो मेरा जो हेडशॉट एकदम इजीली लग जाएगा। और मेरा जो एम एनिमल्स के हेड के ऊपर कैसे जाएगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैं ड्रैग करूंगा वैसे मेरा एम एनिमल्स के हेड के ऊपर जाएगा। अभी बात करते हैं अगर आपको एमओ 27 से लॉन्ग रेंज में हेडशॉट या वन शॉट देना है तो कैसे दे सकते हो, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है, बाकी सब आप जैसे शॉर्ट रेंज में दिए थे वैसे ही देना है। आपका जो एम और ड्रैग है वैसे ही है, बस इसमें आपका जो पैर है वो जमीन पे टच रहना चाहिए। बाकी जो ड्रैग और एम है, जैसे हम लोग ने शॉर्ट रेंज में रखा था वैसे ही आपको ड्रैग करना है और वैसे ही आपको एम रखना है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस मैंने आपको जितने भी मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स बताए शॉर्ट रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, जो भी सेटिंग बताया वो सबका कोई फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्रेनिंग सेक्शन में खासकर आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आपके हेडशॉट या वन शॉट एकदम इजीली लगने लगेंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले आ रहा जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।